देश पर कोई भी आपदा आई हो, स्वयंसेवक सदैव अग्रिम मोर्चे पर खड़े दिखाई देते हैं। अब जब हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में संघ कार्यकर्ता हर स्तर पर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर और इसके आसपास के जिलों से आई सेवा कार्यों की तस्वीरें देखें। संकट के समय ही समाज की पहचान होती है। कोरोना महामारी ने मानवता की पोल खोल कर रख दी है। अपने अपनों से मुंह फेर रहे हैं, ऐसे में ये लड़ाई कोरोना से कम मनुष्यता से अधिक नजर आ रही है। और मानवता की इस परीक्षा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता खरे उतर रहे हैं। सेवा भारती दल के कार्यकर्ता अलग अलग टीम बनाकर हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। कानपुर में काकादेव समेत कई स्थानों पर आरएसएस और सेवा भारती दल के कार्यकर्ता गरीबों और जरूरतमंदों के बीच निशुल्क भोजन वितरण कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के बाहर भी निशुल्क भोजन सेवा जारी है। जो लोग घरों में आइसोलेटेड हैं या जिनके परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे लोगों के लिए घर घर फ्री टिफिन पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि मजबूत इम्यूनिटी और क्षमतावान शरीर के साथ जंग जीती जा सके। कानपुर जिले में अब तक करीब 15,000 लोग भोजन सेवा से लाभ पा चुके हैं। भोजन के साथ साथ स्वयंसेवक अस्पतालों के बाहर हेल्प डेस्क लगाकर मरीजों और तीमारदारों की मदद भी कर रहे हैं। मरीज को अस्पताल में बेड मुहैया कराना हो या किसी मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, कार्यकर्ता बिना रुके बिना थके मरीजों की सेवा में जुटे हैं। होम आइसोलेटेड मरीज को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी तत्काल पहुंचा रहे हैं, ताकि हर जिंदगी को बचाया जा सके। कानपुर जिले में अब तक 20 लोगों को वेंटिलेटर और 2,500 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जा चुका है। कानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय नवाबगंज परिसर में कोरोना सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ हर समय पूरी सतर्कता के साथ स्वयंसेवक दिन रात सेवा कार्यों में डटे हैं। इन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन, ई चिकित्सीय सलाह, मरीजों की काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन योग प्रशिक्षण लेना हो, हर प्रकार की जानकारी दी जा रही है। जिसे भी इससे संबंधित कोई जानकारी या मदद की आवश्यकता हो, वो हेल्पलाइन नंबर 7307398107 या फिर 8471002087 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही कानपुर के राठ में कार्यकर्ता जगह जगह सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि वायरस को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। झांसी में सेवा भारती दल के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक भूखे प्यासे तीमारदारों की सेवा में लगे हैं। दूर दराज के इलाकों से लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और निजी नर्सिंग होम में बड़ी संख्या में लोग स्वजनों का इलाज कराने पहुंच रहे हैं और अस्पताल के बाहर स्वयं कठिनाई से रहने को विवश हैं। ऐसे में सेवा भारती झांसी महानगर ने रोगियों के परिजनों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की है। यहां न केवल तीमारदारों की तीमारदारी की जा रही है, बल्कि गरीब मजदूरों और असहाय लोगों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह सहायता शिविर लगाए गए हैं और जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय स्थल, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जालौन के उरई में भी संघ कार्यकर्ता जगह जगह भोजन पैकेट बनाकर वितरित कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उरई सेवा भारती दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह माँ अन्नपूर्णा निःशुल्क भोजन स्टॉल लगाए हैं। कुछ जगह डेस्क लगाकर तो कुछ जगहों पर एक टोकरी में भोजन पैकेट रखे गए हैं। जो भी जरूरतमंद है भोजन पैकेट लेकर जा रहे हैं। ऐसे बिना संक्रमण को दावत दिए पूरी सावधानी से निशुल्क भोजन कराया जा रहा है। उरई समेत अलग अलग स्थानों पर मां अन्नपूर्णा भोजन सेवा चलाई जा रही है, जिससे गरीबों बेसहारों को भरपेट भोजन मिल रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक तीमारदारों के बीच भोजन वितरित किया जा रहा है। महोबा में भी निरंतर निःशुल्क भोजन सेवा संचालित की जा रही है। साथ ही यहां आरएसएस कार्यकर्ता कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों की सहायता भी कर रहे हैं। शव शमशान घाट ले जाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार भी करा रहे हैं। जो लोग अपने रिश्तेदार का अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ हैं या शव छूने से डर रहे हैं, ऐसे शवों को भी स्वयंसेवक अंतिम विदाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों की सेवा में भी दिन रात जुटे हैं। इसके लिए सेवा भारती दल की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जिसे भी किसी भी प्रकार की समस्या है, वो संपर्क सूत्र
8887678214 पर कॉल कर हेल्प ले सकते हैं। इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवक कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों की सहायता में 24 घंटे तत्पर हैं और मानवता का धर्म निभा रहे हैं। अदृश्य शत्रु से इस लड़ाई को स्व की भावना छोड़ हम की शक्ति से ही जीत सकते हैं। तो आइए हम सभी संगठित होकर एक दूसरे की मदद को आगे आएं और कोरोना को मार भगाएं। अब तक हमने प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हुए अलग अलग सेवा कार्यों की तस्वीरें देखी। रविवार को हम फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड में हुए सेवा कार्यों के समाचार लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाए रखें। वंदे मातरम।